crafts in towns. Craft means you already know handmade produce. जो भी आप हाथ से बनाते हो that is known as craft. तो हाथ से क्या बनाया जाता था? This is the picture. This is a picture of what is this? This is a pot. ठीक है, इस पॉट में क्या होता था? देखो, क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर. बीदर एक नेम है, ठीक है. ये साउथ इंडिया में जो बीदर हुआ करते थे वो एक जगह है बीदर, ठीक है, आपके कर्नाटका के आसपास वाले एरियाज में. वी आर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क. इनले वर्क समझते हो? इनले मीन्स होता है जड़ी का काम. जैसे कि आप देखते हो ना मैट्रिक्स के ऊपर, ये जो आप छोटे छोटा देख रहे हैं, ये सब जो आप देख रहे हो, दिस इज इनले वर्क. इन कॉपर एंड सिल्वर जो मेटल यूज किया करते थे वो कॉपर और सिल्वर का इनले वर्क किया करते थे जो बीदर के क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे. एंड इट केम टू बी कॉल्ड बीदरी, और इसी वर्क को बीदरी कहा गया क्योंकि बीदर के क्राफ्ट पर्सन थे. तो बीदरी कौन थे? बीदरी वॉज दी बीदरी वॉज दी क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर हु वेयर डू दी एक्टिविटी ऑफ इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. इसके अलावा पांचाल एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी, ये कम्युनिटी कौन से थे? कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स एंड कारपेंटर्स वेयर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स. तो जो ये पांचाल से विश्वकर्मा थे, आप देखते हो ना हम लोग यहाँ एक बार विश्वकर्मा पूजा होता है, एक दिन विश्वकर्मा पूजा इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि वो हमारे विश्वकर्मा भगवान है, वो आर्किटेक्चर है. पूरे जितना भी आर्किटेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो वही है विश्वकर्मा कम्युनिटी, ठीक है. और पांचाल कम्युनिटी, ये दोनों लोग क्या काम करते हैं? गोल्ड स्मिथ का, सोनारी मतलब जो सोना का गोल्ड ज्वेलरी का काम करना, ब्रोंज स्मिथ का, ब्लैक स्मिथ का लोहे का काम करना, मैसन्स कारपेंटर्स ये इस तरह के वर्क किया करते थे टेम्पल्स बनाने में, ठीक है. दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, ये पैलेसेस भी बनाते थे, राजा के महल, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स. आपको तो रोल पता ही है इम्पोर्टेंस ऑफ टैंक्स इन मेडिवल इंडिया. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड स्टडीड किंग कुतुबुद्दीन ने एक बड़ा सा फौजी सुल्तानी बनाया था, ठीक है, एंड रिजर्वॉयर. सिमिलरली वीवर्स सच एज सालियार्स एंड बाइकोलर्स, अब देखो ये वीवर्स हैं. वीवर्स वो होते हैं जो क्लोथ को बुनते हैं, कॉटन को बुन करके कपड़ा तैयार किया जाता है. सो दे आर नोन एज वीवर्स. तो ये कौन कौन से वीवर्स थे? सालियार, काइकोलर, दिस आर दी प्रोस्पेरस कम्युनिटीज. ये बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे मेडिवल इंडिया में, क्योंकि आपको पता ही है कि आप हमारे इंडिया में टेक्सटाइल की डिमांड कितनी ज़्यादा थी, और टेक्सटाइल की डिमांड फुलफिल कौन करेगा? वीवर्स बनाते थे कपड़े, सालियार एंड काइकोलर. ये वीवर्स साउथ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे. मेकिंग डोनेशन में इतना रिच हो गए थे कि डोनेट करते थे टेम्पल्स में. सम एस्पेक्ट ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, कॉटन को साफ करना, पहले कॉटन को साफ किया जाता है ना, कॉटन रुई जो होती है, स्पिनिंग, उसको फिर उसमें से उसकी वो निकाली जाती है, डाइंग किया जाता है. तो ये सारे क्या होते थे? क्राफ्ट वर्क में ये सारे प्रोसेस होते हैं जिससे कपड़ा बन के तैयार होता है. तो ये सलेयार्स और काइकोलर्स वीवर इस तरह से टेक्सटाइल वर्क करते थे और बहुत ज़्यादा रिच भी थे, ठीक है. पांचाल विश्वकर्मा का रोल आपने पढ़ लिया. अब देखो ये शॉल है, एक शॉल की बॉर्डर है, हम जो ठंडी में लेते हैं शॉल. अब ये देखो यही वर्क है, ये क्या जो वर्क है ये क्या है? ये सलेयार और काइकोलर्स जो वीवर थे वो इस तरह का वर्क करते थे. अच्छा, जो आप ऊपर देख रहे हैं जो बीदर वाला जो काम है ना, जो ब्रास है, 17th सेंचुरी का ये बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये क्राफ्ट है, बीदरी क्राफ्ट है जो बनाया है इसने, बीदर क्राफ्ट पर्सन ने बनाया है, ठीक है. द चेंजिंग फॉर्चून्स ऑफ टाउन्स,
अब टाउन्स के फॉर्च्यून कैसे भाग्य बदल रहे हैं। कुछ टाउन जैसे कि अहमदाबाद इन गुजरात वेंट ऑन टू बिकम मेजर कमर्शियल सिटीज। अब ये बहुत बड़ा कमर्शियल सिटीज बन रहा था, बट अदर्स लाइक थंजावुर श्रैंक इन साइज। लेकिन थंजावुर का जो रोल था धीरे धीरे कम होने लगा। मुर्शिदाबाद जो वेस्ट बंगाल में है ना, भागीरथी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी, ठीक है, तो कुछ जो बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, ठीक है, मुर्शिदाबाद क्या था, वो एक सेंटर बन गया, सेंटर फॉर सिल्क कपड़ा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था एंड वो एक बार कैपिटल भी बना था बंगाल का 1704 में। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि वो शहर मुर्शिदाबाद थंजावुर वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म होने लगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। क्यों कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा वहाँ के वीवर्स को? क्योंकि अब कपड़ा इंग्लैंड के मशीनों से बन बन के सस्ते दाम में यहाँ पे आके इंडिया में बेचा जाने लगा था। तो इन शहरों की इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस थंजावुर की, मुर्शिदाबाद की, वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन कुछ टाउन्स जैसे कि अहमदाबाद हो गए, इनका रूल जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर।